आज हम चला रहे हैं स्कॉर्पियो एन पेट्रोल। कुछ टाइम पहले हमने डीजल वाला वर्जन चलाया था, हमें गाड़ी काफ़ी पसंद आई थी, मगर आज हम बात करेंगे पेट्रोल, क्योंकि दिल्ली एनसीआर मार्केट्स के लिए पेट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे इंक्वायरीज, इंटरेस्ट है पेट्रोल वर्जन के लिए। स्कॉर्पियो का जो पेट्रोल वर्जन है वो थार और XUV700 में भी आता है। ये 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है आप जो आपको मिलता है, और इसमें 200 PS आपको मिलता है। जी हाँ, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल SUV जस्ट लाइक द XUV700 एंड द थार। तो पेट्रोल इंजन कैसी है चलाने में? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल 200 PS मिलता है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस, वो आपको मिलता है। मुझे पता ही लग रहा है कि स्कॉर्पियो, क्योंकि जब आप एक्सेलेरेटर देते गाड़ी भागती है। परफॉर्मेंस इज़ रियली गुड। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि शॉकिंग है, क्योंकि गाड़ी इतनी भारी भरकम है, इतनी बड़ी SUV इतनी तेज़ जाती है। इट इज़ अनबिलीवेबल। परफॉर्मेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, डीजल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पावर ज़्यादा है डीजल वर्जन से। स्कॉर्पियो एन में 200 PS है, और टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है फॉर अ टर्बो पेट्रोल। 380 Nm नीली एज गुड एज द डीजल। तो इसके वजह से जो आपको परफॉर्मेंस लोअर RPM से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, एंड दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ हिट ऑफ टॉर्क। तो आप जब सिटी में चलाते हैं लोअर RPM से गाड़ी बहुत तेज़ भागती है। प्लस इसको जो गियर बॉक्स ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो हम चला रहे हैं, ये काफ़ी रेस्पॉन्सिव भी है। टॉप कन्वर्टर गियर बॉक्स है, मगर इट्स वेल सूटेड फॉर एन SUV। इसमें इनफैक्ट इतना पावर और टॉर्क है कि पैडल शिफ्टर की ज़रूरत ही नहीं लगती मुझे, क्योंकि इट्स सो पावरफुल, इट इज़ सो ईजी टू ड्राइव। कुछ और चीज़ें पेट्रोल वर्जन स्कॉर्पियो एन में आपको ड्राइव मोड्स नहीं मिलता, जो मेरे ख्याल से थोड़ा मिस है। डीजल में आपको ड्राइव मोड्स मिलता है। मेरे ख्याल से इसमें एक ड्राइव मोड होना चाहिए था, ताकि अगर आपको इतना एक्सेलरेशन नहीं चाहिए ट्रैफिक में, या आपको फ्यूल थोड़ा बचाना हो, देन यू कैन यूज़ एन इको मोड। अदरवाइज इसमें स्टार्ट स्टॉप मिलता है जो पेट्रोल ऑटोमेटिक में, मैनुअल में नहीं मिलता। बट आई वुड हैव वांटेड ड्राइव मोड, बट दैट असाइड मेरे कंप्लेंट ज़ीरो है इस इंजन के। और इट इज़ रियली स्मूथ, रियली फन टू ड्राइव, वेरी साइलेंट, एंड मेरे ख्याल से इट इज़ अ रियली गुड इंजन। अब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग बात इस पे होती है, फ्यूल एफिशिएंसी। बट ऑब्वियसली अगर आप 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इतनी भारी SUV में डाल देंगे, यू विल नॉट गेट रियली गुड फ्यूल इकोनॉमी, दैट्स अ गिवन। हाउएवर इतनी बुरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। सिटी में लगभग मुझे मिल रहा है 7 to 8 km/L, हाईवे में 9-10 मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द वे यू ड्राइव। मगर स्कॉर्पियो इतनी पावरफुल है, आप यू विल एंड अप एंजॉइंग इट, एंड इट इज़ वर्थ इट। अगर आपको पेट्रोल कन्वीनियंस चाहिए, अगर आप ज़्यादा दूर नहीं चलाते एवरी डे, जस्ट वांट अ फन टू ड्राइव स्मूथ पेट्रोल, आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन ओवर द डीजल। ऑब्वियसली इसमें 4x4 नहीं आता जो डीजल में आता है, बट स्टिल एज अ सिटी SUV कभी बार चलाते हैं, बाहर आप जाते हैं, आपको एक बड़ी भारी भरकम SUV लुक चाहिए। बट द स्मूथनेस ऑफ पेट्रोल, स्कॉर्पियो एन इस प्राइस ब्रैकेट में इससे ज़्यादा कोई पावरफुल SUV है ही नहीं इसके क्लास में।